योगी की सरकार जेसीबी ने क्या बनाई, घर की सरकार भी अब जेसीबी पर बढ़ने लगी है। सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो को देखिए। दूल्हा अपनी दुल्हन को जेसीबी पर बिठाकर अपने घर ले जा रहा है। झारखंड के रांची से एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जहां दूल्हा अपनी दुल्हन को जेसीबी पर बैठाकर अपने घर ले जा रहा है। जेसीबी को फूलों से सजाकर बैंड बाजे के साथ दूल्हा अपनी दुल्हन को लेने पहुंचा है। विदाई के समय जेसीबी के बकेट में दूल्हा और दुल्हन को बैठाकर पूरे शहर में घुमाया गया। अब इस शादी की हर तरफ चर्चा हो रही है। रांची से सटे टाटी सिलवे में फूलों का काम करने वाले कृष्णा मालाकार की शादी चतरा गांव की आरती के साथ हुई। आपको बता दें कि हर किसी का सपना होता है कि उसकी शादी यादगार बन जाए। पूरे राज्य में इससे पहले किसी ने भी जेसीबी में बारात नहीं निकाली। पहली बार बारात के साथ दुल्हन की विदाई भी कार, जीप या बग्घी पर नहीं बल्कि जेसीबी में हुई। जेसीबी के बकेट में बिछाए गए थे मोटे मोटे गद्दे। जानकारी के मुताबिक 13 जून की रात को कृष्णा की बारात जेसीबी पर उनके गांव से 10 किलोमीटर दूर दुल्हन के घर पहुंची। फूलों से सजी जेसीबी को देखकर सभी लोग हैरान थे। जेसीबी में खुदाई के लिए लगे बकेट में मोटे मोटे गद्दे भी बिछाए गए थे। शादी के बाद उसी जेसीबी में कृष्णा अपनी दुल्हन आरती को विदा करा के पहुंचे। दुल्हन की विदाई बहुत खास होती है, इसलिए लोग इस पल को बड़ा ही स्पेशल और यादगार बनाते हैं। एक जमाना होता था जब दुल्हन पालकी में ससुराल जाती थी। अब डोली तो पुरानी बात हो गई है, जमाना कार से लग्जरी कार तक पहुंच चुका है। कुछ लोग तो दुल्हन को हेलीकॉप्टर में भी लेकर आते हैं, लेकिन कृष्णा ने इस बार अपनी दुल्हनिया के लिए जेसीबी का इंतजाम किया और जेसीबी पर बिठाकर बारात ले गए और फिर दुल्हन की विदाई भी जेसीबी पर ही कराई। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब किसी ने जेसीबी पर दुल्हन की विदाई कराई हो। जेसीबी से दुल्हन की विदाई पर क्या है आपकी राय, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। रांची से आकाश कुमार की रिपोर्ट, बिहार तक।